हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेयून जुहून से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने चायून से ब्रेकअप क्यों किया था, और पीछे से डाइन उन दोनों की बातें सुन रही होती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। डाइन जेयून के बारे में पूछती है। चायून कहता है उसने कहा है कि वो थक गया है तो वो आराम कर रहा है। तभी हाना चायून को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहती है। वो चायून और जुहून को एक साथ बिठाती है। वो पूरी कोशिश कर रही होती है कि उन दोनों का फिर से पैचअप हो जाए। वो उसे जबरदस्ती जुहून के पास बैठा देती है। ये देखकर डाइन खुश नहीं लग रही होती है। फिर हाना खाने के लिए स्नैक्स देती है जो उसने खुद बनाए होते हैं। जुहून कहती है कि ये तो मेरे फेवरेट हैं, लेकिन इसमें खीरा क्यों नहीं है। ओसियोल उसे बताता है कि हाना भी मेरी तरह खीरा नहीं खा पाती है। जुहून उसके कान में कहती है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम्हें फाइनली तुम्हारी जैसी कोई मिल ही गई। तब डाइन को जुहून और जेयून के बीच हुई बातें याद आती है। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जिसमें जुहून और जेयून बातें कर रहे होते हैं। जेयून कहता है, मुझे पता है कि तुमने चायून से ब्रेकअप क्यों किया था। तुमने उसे किसी और के लिए छोड़ा था ना? मेरे फ्रेंड ने तुम्हें किसी और लड़के के साथ ड्रिंक करते हुए देखा था, और वो भी ठीक तुम्हारे ब्रेकअप के बाद। जुहून याद करती है और फिर कहती है, ये सब गलतफहमी है। वो कहता है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे और तुम इतनी जल्दी बदल गई। वो कहती है, मैंने कहा तो कि ये सच नहीं है, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। ये सुनकर वो इरिटेट हो रहा होता है। जुहून कहती है, मैं उस दिन अपने फ्रेंड के साथ थी और मैंने चायून से ब्रेकअप का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया था। मैंने कभी भी उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं माना था। ये सुनकर जेयून के साथ साथ डाइन भी चौंक जाती है। वो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जुहून कहती है, मेरे दिल में कभी भी उसके लिए बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग नहीं आई। ये सुनकर जेयून को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तो फिर तुम उसे डेट करने के लिए राजी क्यों हुई। जेयून ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया होता है। उसकी बातें सुनकर जुहून के फेस पर गिल्ट दिख रहा होता है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। हाना सबके सामने ग्लास रख रही होती है, और फिर वो ग्लासेस को देखकर कहती है, ये कपल ग्लास है, और अगर तुम दोनों ग्लास को टकराओगे तो इससे टूटे रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे। ओसियोल कहता है, ऐसा थोड़े ही होता है। वो उसे इशारा करते हुए समझाती है, अरे ऐसा होता है। ओसियोल भी उसका इशारा समझ जाता है और कहता है, अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, मैंने भी सुना है कि जिनका ब्रेकअप हुआ है, अगर वो इन ग्लास को आपस में टकराएंगे तो उनका पैचअप हो जाएगा। उन दोनों की ऐसी बचकानी बात सुनकर डाइन उन दोनों को ऐसी हरकतें करने से मना करती है। जुहून अपने फ्रेंड से कहती है, तुम लोगों को तो यहाँ बहुत मजा आया होगा, हाना और डाइन बहुत अच्छी है। चायून कहता है, मैं जेजू की ये ट्रिप हमेशा याद रखूंगा। डाइन भी कहती है, हमें भी ये हमेशा याद रहेगा। ओसियोल कहता है, पहले दिन तो मुझे नहीं लगा था कि हम लोगों में इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। वो हाना से पूछता है, तुम्हें क्या लगा था। वो कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने अच्छे और क्यूट होंगे। वो गलती से सच बोल देती है और फिर वो शर्मा जाती है। सब लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। फिर वो ओसियोल से कहती है, मुझे तो तुम बेवकूफ लगे थे। ये सुनकर वो सच में अजीब सा फेस बनाता है। उसके बाद वो लोग एक गेम खेलना शुरू कर देते हैं। उस गेम में लकड़ी के छोटे ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखे होते हैं। हर प्लेयर को एक ब्लॉक निकालना होता है और उस ब्लॉक में कुछ बातें लिखी हैं। वो बातें उन्हें पूरी करनी होंगी या फिर अल्कोहल ड्रिंक करनी होगी। सबसे पहले हाना ब्लॉक निकालती है। उसके ब्लॉक में लिखा होता है कि उनके ग्रुप में कौन सबसे ज्यादा गुड लुकिंग है। वो थोड़ा टाइम पास करते हुए और फिर थोड़ा हिचकते हुए ओसियोल का नाम लेती है। ओसियोल पानी पी रहा होता है और ये सुनकर उसे खांसी आ जाती है। नेक्स्ट टर्न ओसियोल का होता है। उसके ब्लॉक में पूछा होता है कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है, अपने से बड़ी, अपने से छोटी या फिर अपने बराबर की। वो थोड़ा कैलकुलेट करके कहता है, ये तो बहुत आसान है, मैं अपने से बड़ी लड़की को चुनना पसंद करूंगा। ये सुनकर सबसे पहले हाना बहुत खुश हो रही होती है। आगे वो कहता है, चाहे आदमी हो या औरत, मुझे इमेच्योर लोग पसंद नहीं है। उसके बाद जुहून ब्लॉक निकालती है। उसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हारे दिल में अभी किसी के लिए फीलिंग्स है, अगर है तो उस पर्सन के बारे में 5 वर्ड्स में बताओ। ये सुनकर जुहून कहती है, मैं किसी को पसंद तो करती हूँ। फिर वो 5 वर्ड्स गिनाते हुए कहती है, जिसे देखकर मेरे दिल में हलचल होती है। ये सुनकर सबसे ज्यादा हाना और ओसियोल खुश होते हुए बच्चों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। डाइन तो बस जुहून और चायून को देख रही होती है।
उधर जेयून अपने रूम में याद कर रहा होता है कि ब्रेकअप के बाद चायून कितना उदास था। उसने ड्रिंक की हुई थी और ओसियोल जेयून के साथ उसे संभाल रहा होता है। तभी जेयून का दोस्त उसे जूहून की पिक एक लड़के के साथ भेजता है और कहता है कि जूहून एक लड़के के साथ ड्रिंक कर रही है, लेकिन वो तो चायून की गर्लफ्रेंड है ना। जेयून पूछता है, तुमने उसे कब और कहाँ देखा? उसका दोस्त कहता है, वो मेरे सामने अभी बार में बैठी है। क्या उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है? जेयून अपने सामने बैठे चायून का सैड फेस देखता है। फिर वो अपने दोस्त को मैसेज करके कहता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है और तुम ये बात किसी को मत बताना। दूसरी तरफ गेम खेलते हुए डाइन का टर्न आता है। वो ब्लॉक निकाल कर पढ़ती है और चायून से कहती है, तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो। ये सुनकर सबसे पहले तो चायून चौंकता है और फिर उसके बाद बाकी सब चौंक जाते हैं। उन सबको ऐसा देखकर डाइन उन सबको अपना ब्लॉक दिखाती है जिसमें लिखा होता है, जिसे तुम पसंद करती हो उससे उसका फोन नंबर मांगो। फिर वो कहती है, हम वापस जाकर भी कांटेक्ट में रहेंगे। ये सुनकर चायून सोच में पड़ जाता है। डाइन को ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बातें करता देख हाना कहती है, तुम ठीक तो हो ना? डाइन कहती है, मैं वही तो कर रही हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैफे में बैठकर डाइन खुद को डांटते हुए कह रही होती है, ये मैंने क्या कर दिया? लगता है मैं पागल हो गई हूँ। अब मैं चायून को कैसे फेस करूँगी? ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है। उधर जूहून किसी को बताए बिना वापस चली गई होती है। वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बना के गई होती है। उसने वहाँ उनके लिए एक नोट छोड़ा होता है जिसमें उसने लिखा होता है, मैं यहाँ बिन बुलाए आ गई थी, फिर भी तुम सबने मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा और तुम सबसे फिर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चायून हाना से डाइन के बारे में पूछता है। हाना कहती है कि डाइन तो सुबह सुबह उसी जगह पर गई है जहाँ वो हर रोज जाती है। चायून अपने रूम में बैठा होता है। जेयून उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं कुछ सोच रहा हूँ। जेयून कहता है, मैंने सुना है कि जूहून चली गई है। वो कहता है, हाँ वो चली गई है। फिर कुछ सोचकर वो किसी को कॉल करता है। हम देखते हैं कि डाइन और जूहून दोनों के फोन में किसी की कॉल आती है। अब हम वो सीन देखते हैं जिसमें हम चायून के हाथ में ब्लॉक देखते हैं। उसमें लिखा होता है, क्या पिछले हफ्ते तुम किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हो? ये पढ़कर वो पहले तो डाइन की तरफ देखता है और फिर वो जूहून को देखता है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो जवाब देने की जगह अल्कोहल पीना चुनता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि डाइन और जूहून में से चायून ने किसे चुना और उन दोनों में से उसने कॉल किसे किया। इन सब के जवाब पाने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।